Standard Junior KG from Sukhet Prakash English Medium School, and our today's subject is General Awareness. Last lecture we reached about traffic lights. So traffic lights में कौन कौन से कलर होते हैं? Red, yellow, and green. Red means stop, yellow means ready, and green means go. Today we learn about air around us. Look in your General Awareness book, page number 75. Your topic is air around us. We need air to live, यानी कि हमें जीने के लिए हवा की जरूरत है. इसी तरह प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स वो सबको भी, फ्लावर्स सबको भी ग्रो होने के लिए एक प्लांट एयर की जरूरत है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू लिव, यानी कि मैंने आपको जैसे बताया प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी जीने के लिए हवा की जरूरत होती है. जब हम सांस लेते हैं तब हमें हवा की जरूरत होती है. वो नीड एयर टू लिव. सर्कल द राइट पिक्चर, यानी कि हवा की जरूरत किस किस को है, यहाँ पर पिक्चर में दिए हुआ है, उसमें हमें जो राइट पिक्चर है उसमें हमें सर्कल करना है. सो लेट्स सी. फर्स्ट पिक्चर इज अ मैंगो ट्री. मैंगो ट्री को ग्रो होने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है. जब हवा नहीं होती तो ये प्लांट ग्रो नहीं होता हो सकता. तो हम इसमें सर्कल करेंगे बिकॉज इट्स नीड टू एयर टू लिव. नेक्स्ट बॉय की पिक्चर दी हुई है. बॉय एक ह्यूमन है तो इसको भी हवा की जरूरत होती है. नेक्स्ट बटरफ्लाई इंसेक्ट है तो इसको भी जीने के लिए हवा की जरूरत है. नेक्स्ट यहाँ पर चेयर दी हुई है. चेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग तो इसको हवा की जरूरत नहीं है. तो इसको हम इसमें हम सर्कल नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट नीड टू एयर टू लिव. नेक्स्ट कैट की पिक्चर दी हुई है. कैट एक एनिमल है तो एनिमल को ग्रो और सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है. तो इसमें हम सर्कल करेंगे. यहाँ पर गर्ल है. गर्ल एक ह्यूमन है तो इसको भी हवा की जरूरत है. शी ऑल्सो नीड एयर टू लिव. नेक्स्ट बनाना ट्री दिया हुआ है आपको यहाँ पर. तो बनाना ट्री बिना एयर के ग्रो नहीं हो सकता तो हम इसमें भी सर्कल करेंगे. यहाँ पर देखो कंप्यूटर दिया. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी है तो ये इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहा है तो इसको एयर की जरूरत नहीं है तो हम इसमें सर्कल नहीं करेंगे. नेक्स्ट फ्रॉग. फ्रॉग ऑल्सो इज अ इंसेक्ट तो इसे भी ग्रो और सांस लेने में एयर की जरूरत है तो हम इसमें भी सर्कल करेंगे. नेक्स्ट बल्ब. बल्ब ऑल्सो इज अ इलेक्ट्रिसिटी तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो इसको भी एयर की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज द फिश. फिश को पानी में सांस लेने के लिए एयर की जरूरत होती है तो हम इसमें भी सर्कल करेंगे. एंड लास्ट बॉल. बॉल इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग तो इसको एयर की जरूरत नहीं है तो हम इसमें सर्कल नहीं करेंगे. तो बच्चों यहाँ हमारा टॉपिक था एयर अराउंड अस, यानी कि हमें जीने के लिए एयर की जरूरत. तो बच्चों हमने एयर अराउंड अस के बारे में सीखा. अब नाउ टर्न योर पेज पेज नंबर 76. नेक्स्ट टॉपिक इज योर वॉटर. वॉटर वॉटर यानी कि पानी. हमें जैसे जीने के लिए एयर की जरूरत है उसी तरह हमें जीने के लिए वॉटर यानी कि पानी की भी जरूरत होती है. वी नीड वॉटर टू लिव यानी कि हमें जीने के लिए वॉटर की भी जरूरत होती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वॉटर टू लिव यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को भी जीने के लिए वॉटर की नीड है. वो नीड्स वॉटर टू लिव. सर्कल द पिक्चर यानी कि हमें जैसे एयर की नीड थी और जिसको एयर की नीड थी उसमें हमने सर्कल किया उसी तरह वॉटर की नीड जिसको है उसे हमें सर्कल करना है. नीड मीन्स जरूरत. पहला पिक्चर है बॉल का. तो जीने के लिए बॉल को वॉटर की जरूरत होती है नहीं बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. सो इट्स नॉट इट्स आन दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग तो हमें इसमें सर्कल नहीं करना है. नेक्स्ट डॉग की पिक्चर दी हुई है. डॉग एक एनिमल है तो इसको जीने के लिए वॉटर की जरूरत है तो हम इसमें सर्कल करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर ट्री है तो ट्री को ग्रो करने के लिए हमें पहले प्लांट्स जब होते हैं तब हम उसमें पानी डालते हैं तो इसको भी वॉटर की जरूरत है यानी कि ट्री ऑल्सो नीड टू वॉटर फॉर लीव तो हम इसमें भी सर्कल करेंगे. नेक्स्ट कलर्स दिए हुए हैं. कलर्स नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम इसमें सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि कलर्स को ग्रो नहीं करना है और इसको वॉटर की भी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट फिश. फिश तो वॉटर में ही रहती है तो इसको जरूरत है जीने के लिए वॉटर की. नेक्स्ट टाइगर. टाइगर ऑल्सो एनिमल तो इसमें भी हम सर्कल करेंगे. नेक्स्ट पैरट. पैरट एक बर्ड है तो बर्ड को भी पानी
इसको जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, इसको वाटर की जरूरत नहीं है, तो इसमें हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्पैरो, स्पैरो एक बर्ड है, इसको भी पीने के लिए पानी की जरूरत है, तो हम इसमें भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पेंसिल, पेंसिल इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो इसको भी जरूरत नहीं है पानी की। नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पर मोबाइल दिया हुआ है, तो इसको भी जरूरत नहीं है पानी की। डॉग, डॉग एक एनिमल है, तो हम इसमें सर्कल करेंगे बिकॉज डॉग को पीने के लिए पानी की जरूरत है। लास्ट टेबल, टेबल इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग, इसको भी पानी की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 77, बी सेफ, यानी कि जब हम कहीं भी पानी के पास जाते हैं तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी है, उसके बारे में यहाँ पर हमें सिखाया गया है। ऑलवेज बी सेफ्टी रिंग, यानी कि जब हम स्विमिंग करने जाते हैं, अगर हमें स्विमिंग नहीं आता है तो हमें सेफ्टी रिंग पहननी चाहिए, उसके बाद ही स्विमिंग करनी चाहिए, वरना हम हमें नुकसान पहुंच सकता है और हम डूब भी सकते हैं। नेक्स्ट डू नॉट स्विम अलोन, यानी कि छोटे बच्चों को अकेले में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, ऑलवेज अपने पेरेंट्स या अपने से बड़े होते हैं उसके साथ ही स्विमिंग करने जाना चाहिए। डू नॉट गो नियर वाटर बॉडीज, यानी कि पानी के नजदीक ज्यादा वाटर बॉडीज, यानी कि हमारे जो शरीर होता है उसको हमें ऐसे झुकाना नजदीक नहीं जाना चाहिए, हम पानी में से फिसल सकते हैं और गिर भी सकते हैं। डू नॉट वेस्ट वाटर, यानी कि आप जब दिन में कुछ भी वर्क करते हैं उसमें आपको वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में टैप कोई भी वाटर का जो होता है उसे चालू रह गया तो आपको उसे क्लोज करना चाहिए। ब्रश करते समय आपको ऐसे नल खुला नहीं रखना चाहिए, इससे आपको सावधानी बरतनी है। बी सेफ फॉर वाटर। सो आज हमने कौन कौन से टॉपिक सीखे, एयर अराउंड अस, यानी कि जीने के लिए हमें हवा और एयर अराउंड एंड वाटर, वाटर यानी कि हमें जीने के लिए एयर और पानी की दोनों की जरूरत है, एंड हमें कौन कौन से सेफ्टी रखनी चाहिए पानी में वो भी आज हमने सीखा। सो टुडेज होमवर्क इज Thank you.